बीजेपी नेता और सांसद वरुण गांधी पीलीभीत सीट से टिकट कटने के बाद पहली बार पार्टी के किसी कार्यक्रम में नजर आए। वरुण गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी और अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार करने पहुंचे, जहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता के साथ अपनी मां के आत्मीय रिश्तों का जिक्र किया और उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान वरुण गांधी ने अमेठी और रायबरेली का नाम लेकर बड़ा दावा किया। पहली बार सुल्तानपुर में लोगों ने कहा कि साहब जो अमेठी में रौनक है, जो रायबरेली में रौनक है, हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर में भी ऐसी रौनक आए। देश में सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में नाम लिया जाता है। इससे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि सबसे जरूरी है कि वो खुश रहे। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, और क्या जिंदगी से क्या मांगा जा सकता है। इस लोकसभा चुनाव में ये पहली बार है जब वरुण गांधी चुनाव प्रचार के लिए उतरे, क्योंकि पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण सार्वजनिक मंच से दूर थे। Z News.